ओ कन्हैया, तू मेरी तरफ नहीं आता ना, इसलिए ये बंसी चुरा लेंगे, क्योंकि ये बंसी ही मुझसे दूर करती है। दही डारो मोरी बांसुरी, ओ राधा जानी। आप भी कभी घर में गिर गए? नहीं, मोबाइल छीन के रख लिया तो कभी आके दे देना, एक बार दे देना, बहुत जरूरी फोन करना। आपने किया कभी? आपके साथ हो चुका है। जब देखो मोबाइल में लगे रहे तो रोटी तो खा लो, रख लो, तो फिर अब आदमी गिड़गिड़ाता है, दे 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 दे। अच्छा आप नहीं, बस एक फोन बहुत जरूरी कर लूंगा। दही डारो
मेरी सेवकाई कर लो, सेवक बन जाओ। मेरे ठाकुर कहते हैं कि एक बार मेरे शरणों में आके दे तुझे नर से नारायण बना दूंगा। वाकिफ नहीं हो शायद मेरी नजर के जादू से, एक बार देख लूं तो मुर्दे को भी जीने का शरीर आ जाता है। चला लिए, साम दाम दंड अभेद। राजनीति हमेशा नीति जो है धर्म से पैदा होती है और नीति से राज चलाया जाता है, लेकिन अब नीति खत्म हो गई, खाली राज रह गया है, है ना। कन्हैया से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। आक्रूर जी को बुलाया अंत में कंस ने, कहा जाओ कन्हैया को लेके आओ। कन्हैया को लेने के लिए आक्रूर चल पड़े हैं, मन ही मन कल्पना करते हैं कि पता नहीं मैं तो शत्रु के घर से हूं, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी। कहीं हम जानते हैं जो चीज कल होने वाला है आज से ही हम उस पर परेशान हो जाते हैं, पता नहीं जा रहे हैं क्या व्यवहार करेंगे, मिलेंगे भी हमसे कि नहीं, बात करेंगे भी हमसे कि नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये आपके विचार हैं ना, आप दूसरे की समीक्षा क्यों कर रहे हैं। आक्रूर जी अब घर से निकले हैं और विचार कर रहे हैं, मैं दुश्मन के घर से आया हूं। कंस ने कन्हैया को बहुत सताया है, नंद बाबा को बहुत सताया है, भले ही रिश्तेदारी सही, लेकिन कन्हैया जी के हम लेने जा रहे हैं, मेरे साथ पता नहीं कैसा सदव्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा। लेकिन वहां जाके तो उल्टा हो गया। कन्हैया जी ने आते ही गले लगा लिया। आक्रूर का मन था मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार होगा और यहां मित्रवत हो गया। अब आपने जो सोचा वो सही या जो हुआ वो सही। आक्रूर जी जब से चले मथुरा से ब्रज की ओर, तब तक सोचते रहे हम शत्रु के घर जा रहे हैं, ब्रज के सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, हम कंस के परिवार के लोग हैं, हमें कन्हैया कैसे रखेंगे, नंद बाबा क्या करेंगे, क्योंकि मेरे भाई नंद बाबा गृहस्थ होते हुए भी एक संत हैं और संतों को तो सिर्फ प्रेम करना आता है, बाकी कुछ आता ही नहीं।
एक बार गौतम ऋषि का आगमन एक नगर में हुआ है, जहां लोग संतों का पैर छू रहे थे, साष्टांग दंडवत कर रहे थे, अपनी पगड़ी उठाकर बिछा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति ने उनके मुख पे थूक दिया और उनके सानिध्य में रहने वाला एक बालक आनंद नाम के शिष्य ने, जिसने थूका था, उस बत्ते का गला दबाया और इतनी जोर से कि दो पल लगे तो हर हर महादेव हो जाए। स्वामी जी ने उससे छुटकारा, बोला छोड़ो। अब वो रोने लगा, पहले मुंह पे थूका, अब वो रोने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? बोले, प्रभु त्राहिमाम, पहले तो मैं लोगों से सुना था, लोगों की बातों में आस्था रखता था, लेकिन आज यथार्था में जब मैंने आपके कृत को देखा, पहले मुझे आपसे जो है घृणा हो गई थी। स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है, अब आपको जो सुकृति करनी थी वो तो कर लिया, अब क्या बाकी है? कहने लगे, महाराज अब मुझे आपसे प्यार हो गया। तब मैं आपसे घृणा करता था, क्योंकि मैं लोगों की सुनी ही बातों पर भरोसा करता था। सत्य का भान नहीं हो तो दिमाग मत लगाओ, यथार्थता का भान नहीं हो तो तुक्के मत फिट करो। कुछ जगह ऐसे हैं जहां तुक्के फिट नहीं होते हो, एक्शन टू रिएक्शन हो जाए पची। के जब तक मुझे भान नहीं था तब तक मुझे आपसे घृणा थी गौतम ऋषि, लेकिन आज जब मैंने अस्पष्टवादिता से आपके व्यवहार को देखा कि आपने ये प्रेम दिखाया, कि मैंने आपके मुख पे थूक दिया, लेकिन मुझे आपने मृत्यु से बचा लिया, तो मुझे आपसे प्रेम हो गया और अब डर लगता है कहीं आप मुझे ठुकरा ना दे। गौतम ऋषि ने कहा, भाई ठुकराना और अपनाना, मतलब के लिए साथ चलना, बाद में दामन छोड़ देना, ये संतों का काम नहीं होता। हम संत हैं, हम तो सदा प्यार करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। कन्हैया जी को बुलाया और ब्रज की बालाओं ने कन्हैया पे आरोप लगा दिया। हम पे भी कभी कभी लग जाता है, राजेश जी हम पे तो बहुत कर्रा वाला लगता है और इतना बुरा वाला लगता है कि बस मैं ठाकुर जी से कहता हूं तू ही संभाल। आज ब्रज की बालाएं कहती है, जा रहा है ना मथुरा, तो सुन, किम विश्वास संपादयते तव कृष्णा नित्य हरमन्ति नव प्रिया। अरे जा जा ओ बेवफा जा, तेरे पे क्या भरोसा करें, तेरी तो आदत पड़ गई है नई गोपियों के साथ रहने की। तो शर्मा जी, हमारे साथ ये होता है, गुरु जी बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं है, हमको प्यार नहीं करते, हमको डांटते, उसको लाड। अगर मैंने प्यार ही करना होता तो भगवा क्यों पहनता? मोहब्बत करते हैं, नशा भी करते हैं, पर नशा वो करते हैं मेरे भाई जो कभी उतरता ही नहीं, और हम महबूब बनते हैं, महबूब हजारों आशिक पीछे घूमते हैं। मासूका बनो, ऐसे काम नहीं करते। तो हमें तो बहुत सुना सिखाओ साहब, कभी भी जहां भी जाएंगे ना, गुरु जी पहले जैसे नहीं रहेंगे। फोन लगा दो, फोन नहीं उठते, बिजी 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 बिजी, ऐसी दशा आज कन्हैया जी को। आप देख रहे हो, इतना दिन भर आपके साथ में कोई फोन उठा सकता हूं? बता, लोगों के फोन आ रहे हैं तो ऑन कर देता हूं यहां से कि दो मिनट हरी भजन सुन लो, सुकून मिल जाएगा। फिर भी क्या, पहले जैसे नहीं है, बदल गया। ऐसे आज कन्हैया जी से कहा गया, किम विश्वास संपादयते तव कृष्णा नित्य हरमन्ति नव प्रिया, तेरे पे क्या भरोसा करें?
आज तो तूने ये किया, रात तेरी सफर में गुजरेगी, कल वहां कोई और से। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवालाओ जरा मेरे दायित्व को सोचो, मेरे जन्म का कारक तुम ही हो, तुम्हारे लिए तो मैंने अवतार लिया है। अरे ब्रज की बालाएं सोचो, अगर मैं नहीं गया तो उस माँ को कैद से कौन छुड़वाएगा जिसने सात पुत्रों को खो दिया, नाना उग्रसेन को कैद से कौन छुड़वाएगा, पिता देवासुदेव के बारे में कौन सोचेगा। ब्रज की बालाएं कन्हैया को विदा करती हैं, कन्हैया जी चल रहे तो जब तक पास रहे ना आदमी बात ना करे, बाद में क्या भाव। आक्रूर जी के साथ कन्हैया मथुरा की ओर चले हैं और ब्रज की बालाओं के भाव कि न जी भर के देखा। कथा में ऐसी होता है, पहले दिन कल चले जाएंगे, परसों जाएंगे और जब उनका मन लगने का टाइम आया तब तक कथा पूर्ण होती हो जाएगी। हमारा एक शिष्य था संदीप, वो कहता था गुरुजी जाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला क्यों? बोले गुरुजी जब तक पहले जाओ नए शहर में मन नहीं लगता, 7-8 दिन में मन लगे तब तक जाने का टाइम आ जाता है, इसलिए जाने और आने में दोनों में वेदना होती है। पहले तो मन लगता नहीं और जब मन लगने लगा तो जाने का टाइम हो गया। ब्रज की बालाओं के पास वस्तु रही तो कद्र किया नहीं कि जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा और मिला सके ना नजर नजर से, मेरी नजर का कसूर होगा। अब कन्हैया जी चले गए तो भाव करती हैं कि न जी भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात। पंडित जी क्या कर रहे हैं? कुछ बात की